माया के विरुद्ध चलना या माया के विरुद्ध कार्य करना, एक तेज बहाव वाली नदी के विपरीत दिशा में, बहाव के विपरीत दिशा में तैरने के समान है ना। इतना आसान नहीं है, माया से टक्कर मारना आसान नहीं है। व्यक्ति बनाता है योजना कि मैं ऐसे सफल होऊंगा, ऐसे जो है घर परिवार चलाऊंगा, ऐसे धन कमाऊंगा, ऐसे सुख सुविधा में रहूंगा, ऐसे बिजनेस करूंगा, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे हमारे मन में इस तरह से विचार। मन तो है ही विचारों की फैक्ट्री, उसमें बस ये संकल्प विकल्प ही होता रहता है, ये करना ये नहीं करना। तो एक तरफ से हम ऐसी फैक्ट्री से ग्रस्त हैं, ऐसी चीज हमें दी गई है, ऐसा यंत्र दिया गया है ये मन, जिससे निरंतर विचार उपजते रहते हैं, और दूसरी तरफ दी गई है माया देवी, जो कि हमारे उन सारे विचारों के ऊपर हमको कार्यान्वित करें, उनके ऊपर हम कोई काम करें, और उसका काम है ध्वस्त करना, ध्वस्त करना, है ना। जैसे मान लीजिए आप एक बच्चे को खिलौना दीजिए, जैसे क्ले होती है ना, क्ले होती है ना, बच्चों को देते हैं क्ले, क्ले से बच्चे लोग खिलौने बनाते हैं, कई अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी बनाते हैं, कई कुछ बनाते हैं उसे, सांप बनाते हैं, कोई कुछ बनाते हैं। अब आप उनसे वो बेचारे वो बना रहे हैं, अब वो क्ले को सूखने के लिए रख रहे हैं कि हम उसको सुखा के उसको बढ़िया खिलौना बना दें, और ऊपर से हम उसके ऊपर क्ले के ऊपर पानी डाल दें, है ना। वो जितना उन्होंने बेचारों ने मेहनत की, उस सारे को धूमिल कर दें, उसको ध्वस्त कर दें, तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, भाई क्या है पिताजी। अपने अभिभावकों कहेंगे, भैया हमें आपने ही खुद भी क्ले दी बनाने के लिए, हमने बनाना प्रारंभ किया, और ऊपर से ही आप जो है जल डाल डाल के इसका सारा तोड़ रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है। वैसे ही हम जिस भौतिक संसार में हैं प्रभु जी माता जी, हमें दिया गया है मन, ये क्ले, जिसमें हम कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, भौतिक चीज, ये प्लान वो प्लान, ऐसा वैसा ये वो, और ऊपर से साथ में माया, तो आप बनाएंगे वो ऊपर से तोड़ती जाएगी, वो आप बनाते रहेंगे हम बनाते रहेंगे वो ऊपर से ध्वस्त करती जाएगी। तो उस बिंदु तक माया हमारे प्रयासों को, हमारे विचारों को धूमिल करती है या ध्वस्त करती है, जब तक वो जीवात्मा फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहती, टॉप मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहती, भी ये क्या समस्या है ना, क्यों मुझे संसार में ये कष्ट मिल रहे हैं बार बार, जो मैं सोच रहा हूं वो क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो निर्दोष तरीके से लगा हूं, मैं मेरा तो कोई प्रत्यक्ष कोई दोष नहीं दिखता, फिर भी जो है मुझे संसार में जो है वो असंतुष्टि मिल रही है, धोखा ही मिल रहा है, कष्ट ही मिल रहे हैं, त्रिताप ही मिल रहे हैं, इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं वेदांत सूत्र में प्रथम सूत्र, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। फिर जीवात्मा जो है जिज्ञासा करती है, ये क्या क्या चक्कर है ना, क्योंकि जीवात्मा जो है बुद्धिमान है, जीवात्मा में विवेक शक्ति है, कौन सी शक्ति है, विवेक शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है उसके पास, मन तो है ही है विचारों को उपजने वाला, लेकिन उसके पास विवेक शक्ति भी है, वो कारण पूछ सकती है क्यों, मन कारण नहीं पूछता है, मन का काम कारण पूछना नहीं है, मन का काम है केवल संकल्प विकल्प, इच्छा करना, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, मुझे ये काम करना ठीक लगता है, मुझे ये काम करना ठीक नहीं लगता है, ये रहता है मन का काम। लेकिन बुद्धि है निरक्षीर विवेक बुद्धि, वो करती है भेद, तो उस बुद्धि का उपयोग जब हम करना सही मायने में प्रारंभ करते हैं, तो फिर हम चीजों को समझते हैं।